जैन दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, ओआरओपी वन को लेकर बहुत सारी अनोमलीज हैं, एमएसपी को लेकर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर जंतर मंतर पर धरना चालू हो गया और ये धरना लगातार चलता रहेगा। बहुत सारे सैनिक संगठन पहुंच गए और दूसरे सैनिक संगठन जाने की तैयारी कर रहे हैं। बट हमें और आप जो कि दूर दराज इलाके में घरों में जा नहीं पा रहे दिल्ली, कम से कम सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट करिए। ये एक चिट्ठी है, इसको पूरा सुनना समझना कि आपके सपोर्ट की क्या जरूरत है और लिखिए क्या ये सही है आपको लगेगा। और ये एक कोशिश है, हम बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं और लगातार हर एक संगठन कोशिश कर रहा है कि इस बार जवानों और जेसियों के साथ न्याय हो। और ये न्याय पिछले 10 साल से अटका हुआ है और हमें सिर्फ चॉकलेट दी जा रही है, हमें वो न्याय नहीं मिला। आखिर इस चिट्ठी को जरूर पढ़ना, सुनना, कमेंट्स करना। इसमें सीधा चिट्ठी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा है, 21 फरवरी यानी आज की डेट लिखा है। इसमें लिखा है, अनरिजॉल्व्ड अनोमलीज या डिस्क्रिप्शंस ऑफ ओआरओपी। आपने जितनी अनोमलीज और डिस्क्रिप्शंस ओआरओपी आपने सॉल्व नहीं किए, और मैं आपके 10 लेटर आपको लिख चुका हूं, आपने कोई जवाब नहीं दिया है, और जो आपने कहा है वो आप कर नहीं पा रहे। उस पर लिखा है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट brought the notice of the table made a equalization of ORP pension with effect from 1 July 2019 are grossly incorrect। यानी जो आपने टेबल बनाई है, खासकर नंबर 7 की बात करूंगा, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, वो बिल्कुल तथ्यहीन है, इलॉजिकल है, किसी भी फॉर्मूला किसी भी चीज पर आधारित नहीं है। इट इज सरप्राइजिंग इज नोट दैट पेंशन ऑफ JCOR आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years हैज बीन रिड्यूस्ड। Premature retirees who had been granted ORP has been denied ORP equalization with effect from 1 July 2019. Anomalies of ORP granted by government policy letter number 2015 not yet resolved. One man judicial committee OMGC submitted 26 April 2016 has neither been made public and implemented till date. उन्होंने लिखा है कि जो आपने टेबल जारी की है उसमें आपने प्रीमेचर वालों को भी दरकिनार कर दिया है और ये बिल्कुल तथ्यहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो आपकी जुडिशियल कमेटी थी उसकी रिपोर्ट थी, आपने उसको भी कंसीडर नहीं किया कि जो 7th Pay Commission में किसी को फायदा नहीं दिख रहा था उसके लिए रिपोर्ट थी, उसको कंसीडर नहीं किया। फिर बात एरियर की गई, एरियर ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 July 2019 वेयर टू बी पेड बाय 15 June 2022 एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 16 मार्च 2022। 16 मार्च यानी पिछले एक साल पहले आदेश मिला था कि आपने 15 June 2022 तक एरियर पेड करना है। इसके बाद लिखा है, गवर्नमेंट शॉर्ट 3 एक्सटेंशन ऑफ टाइम, गवर्नमेंट ने इसके बाद 3 एक्सटेंशन टाइम लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनली 9 जनवरी 2023 ऑर्डर MOD पे एरियर 15 मार्च 2023। 9 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप 15 मार्च 2023 तक एरियर पेड कर दो। अब आपकी इतनी मनमानी, हाउएवर इट इज कॉज इन कंसर्न दैट MOD इशूड इंस्ट्रक्शन टू पे एरियर इन 2 ईयर। अब MOD उस ऑर्डर के बाद अपनी एक लेटर निकालती है कि आपको जो एरियर मिलेगा वो 2 साल में मिलेगा, 6-6 महीने के बाद किस्त मिलेगा, 4 किस्तों में मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसका क्या नुकसान है? जैसा हम सभी जानते हैं, 4x6 मंथली इंस्टॉलमेंट, कंसिक्वेंटली द लास्ट इंस्टॉलमेंट विल पेड बाय December 2004, वेयर इज द नेक्स्ट इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन विल बी ड्यू ऑन 1 जुलाई 2024। इस तरीके से जब आपका एरियर की लास्ट किस्त दिसंबर 2024 में जाएगी और जुलाई 2024 से फिर आपका इक्वलाइजेशन यानी ORP 3 का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो हाउ कैन यू पॉसिबल दैट टाइम के दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी? कोई भी तर्क है इसके पीछे? लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, फुल एरियर टू बी पेड बाय 15 मार्च 2023 एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यू आर अवेयर द अप्रोक्सीमेट 4 लाख एक्सर्समैन आज एक्सपायर्ड वेटिंग फॉर द ड्यू बेनिफिट ऑफ पेंशन, 2 ईयर्स मोर मेनी मोर विल लीव दिस वर्ल्ड। कितने लोग इस दुनिया को छोड़ गए माननीय प्रधानमंत्री जी, रहम कर लीजिए, कम से कम एरियर तो 15 मार्च तक इनको दे दीजिए, काहे को इतना परेशान कर रहे हो? ये सारी चीज इन्होंने लिखा है, योर पॉजिटिव कंसिडरेशन वर अर्जेंटली रिक्वेस्टेड टू बिल्ड द नीडली कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ सोल्जर बोथ रिटायरिंग एंड सर्विंग, वी आर ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू ग्रांट ए मीटिंग टू इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। उन्होंने कहा है कि आप पॉजिटिवली इसको कंसिडर करिए ताकि जो एक्स सर्विसमैन है या सर्विसमैन है आप पर भरोसा कर सके, उनके दिमाग में एक पॉजिटिविटी जाए कि सरकार हमारे साथ है, हमारी मांगों को साथ है। और ये बहुत बड़ी चिट्ठी आज लिखी है और नीचे साइन लिखा है, राजनाथ सिंह को गया है और जितने चीफ हैं उनके लिए भेजी गई है। दोस्तों ये, और आप जंतर मंत्र पे देख ही रहे हो क्या हो रहा है, कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और कल इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त नया अपडेट मैं सवेरे आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके साथ जो हमने एक मेमोरेंडम दिया है कलेक्टर साहब को वो भी आपके साथ कल शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।